सुनील कुमार है। सुनील कुमार बताते हैं कि मैंने इनको बचाने की कोशिश की मगर इन लोगों ने मुझे भी मारा, इन दोनों नशेलों ने, इन दोनों शराबियों ने मुझ पर भी हमला किया। सुनील कुमार के बाद एक व्यक्ति और आता है जिसके हाथ में कलावा होता है, वो व्यक्ति भी बताता है वहां पे कि इन दोनों ने हमारे ही सामने इन दोनों को मारा है और इनको मुसलमान कह के मारा गया है। रेल मंत्री को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए, ये कोई पहला मामला नहीं है ट्रेन में, इस तरह के कई मामले ट्रेन के अंदर हो चुके हैं। अगर इसी तरह से ट्रेनों के अंदर मामले होना शुरू हो गए तो लोग ट्रेन का सफर करना छोड़ देंगे, फिर रेल मंत्री जी आप जाएंगे कहाँ, आप स्वयं सोचिए, क्योंकि रेल कभी पटरियों से उतर रही है, कभी रेल को पटरी से उतारने की साजिश हो रही है, कभी रेलों के अंदर हमला हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुर्सी छीनने के लिए ये साजिश। धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे के धर्म के लोगों पर अत्याचार करो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें हिंसा बताई गई है। इन लोगों की नजरों पे एक चश्मा चढ़ गया है, वो ये समझते हैं कि धर्म ये है कि हिंसा की जाए, मगर हिंसा करना धर्म का हिस्सा नहीं है। जय हिंद साथियों, ये वीडियो जो आपने देखा ये कल रात का है, कल रात के 2 बजे मेरे पास एक फोन आता है, एक युवक मुझे बताता है कि हम महाराष्ट्र जा रहे हैं, हम मुंबई की ओर जा रहे हैं, ट्रेन के अंदर 2 बच्चे साथ में थे, उनको कुछ लोगों ने बेरहमी से मारा है। मैं कहता हूं इसका प्रमाण मुझे चाहिए और इसका कोई वीडियो बना के आप मुझे फॉरवर्ड कीजिए। तो देश का जागरूक नौजवान खड़ा होता है और वीडियो बनाता है, वीडियो हक बात का बनाता है, इंसाफ की बात का बनाता है, इंसाफ दिलाने के लिए बनाता है। इस वीडियो के अंदर आपने तमाम लोगों ने देख चुके होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा, इस पूरे वीडियो को नहीं सुना, वो स्क्रीन पे वीडियो तो देख सकते हैं, खबर खत्म होने के बाद हम आपको ये पूरा वीडियो भी सुनाएंगे। होता कुछ इस तरह है कि ट्रेन के अंदर 2 बच्चे सफर कर रहे होते हैं, जिनकी वेशभूषा होती है शलवार कुर्ता और टोपी, ये मदरसे की ओर जा रहे होते हैं। वहीं पे ट्रेन के अंदर और भी लोग होते हैं, उन्हीं में 2 लोग होते हैं जो शराब के नशे में होते हैं, बे इंतहा शराब पिए हुए होते हैं, दिमाग के अंदर वही घूम रहा होता है जिस तरीके का जहर कुछ लोग फैला रहे हैं, जो सोशल मीडिया के बीमारी जिनको खा गई है, उस बीमारी से लिप्त होते हैं, जो उन टोपी वालों को देखते हैं और इन पे गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, और इतना मारते हैं, इतना मारते हैं कि इस मासूम बच्चे का आंख सूज जाती है, इसकी पेशानी फूल जाती है, अगर इसके गलत दिशा में पड़ जाता तो शायद ये अंधा हो जाता, मगर ईश्वर की कृपा रही ये बच्चा बच गया। सुनील कुमार जब ट्रेन के अंदर है, जो व्हाइट कपड़ों में आप देख रहे होंगे वीडियो के अंदर, ये सुनील कुमार है। सुनील कुमार बताते हैं कि मैंने इनको बचाने की कोशिश की मगर इन लोगों ने मुझे भी मारा, इन दोनों नशेलों ने, इन दोनों शराबियों ने मुझ पर भी हमला किया। सुनील कुमार के बाद एक व्यक्ति और आता है जिसके हाथ में कलावा होता है, वो व्यक्ति भी बताता है वहां पर कि इन दोनों ने हमारे ही सामने इन दोनों को मारा है और इनको मुसलमान कह के मारा गया है, वो व्यक्ति भी इस बात का सबूत देता है। अब आप सोचेंगे कि सुनील कुमार और हाथ पे कलावा बना हुआ आदमी दोनों इन बच्चों के फेवर में थे, क्योंकि इंसानियत जिंदा है, कुछ ही लोगों की नजरों के ऊपर धर्म का चश्मा चढ़ा है, और धर्म ये नहीं कहता कि दूसरे के धर्म के लोगों पे अत्याचार करो, ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें हिंसा बताई गई है। इन लोगों की नजरों पर एक चश्मा चढ़ गया है, वो ये समझते हैं कि धर्म ये है कि हिंसा की जाए, मगर हिंसा करना धर्म का हिस्सा नहीं है। न जाने क्यों ये मुसलमान को देख के मारना शुरू कर देते हैं दोनों युवक। बहरहाल वो जागरूक नौजवान वीडियो बनाता है, वीडियो बना के हम तक पहुंचाता है, हम कोशिश करते हैं CRPF पुलिस से संपर्क साधने की मगर हम नहीं साध पाते। सुबह जब सोशल मीडिया पर वीडियो को तेजी से वायरल होना शुरू हो जाता है तो पुलिस भी तैनात हो जाती है। अब रेल मंत्री का काम यह है कि रेल मंत्री हर बोगी के अंदर 2 पुलिस अधिकारी बिठाएं, 2 पुलिस के जवानों को तैनात किया जाए। ये जनरल डब्बे का मामला है, जनरल डब्बे के अंदर अमूमन तौर पे हमने देखा है वही लोग सफर करते हैं जिनकी जेब के अंदर थोड़ा सा माल कम होता है, या मिडिल क्लास के वो लोग होते हैं, या वो इसलिए जनरल डब्बे में सफर कर रहे होते हैं कि वो सुरक्षित होते हैं, वो समझते हैं कि हम सुरक्षित पहुंच जाएंगे। असुरक्षा की भावना से हम लोग 3rd AC, 1st AC और 2nd AC में जाते हैं।
कुछ लोग प्लेन में सफर करते हैं, उन्हें लगता है कि वो इसमें सुरक्षित रहेंगे, यहीं पे वो सुरक्षित हैं। मगर जो लोग हर जगह अपने आप को सुरक्षित समझते हैं वो जनरल डब्बे में भी सफर करते हैं। तो ऐसे ही अपने आप को सुरक्षित समझने वाले लोगों पे लगातार इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं। रेल मंत्री को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। ये कोई पहला मामला नहीं है ट्रेन में, इस तरह के कई मामले ट्रेन के अंदर हो चुके हैं। अगर इसी तरह से ट्रेनों के अंदर मामले होना शुरू हो गए तो लोग ट्रेन का सफर करना छोड़ देंगे। फिर रेल मंत्री जी आप जाएंगे कहाँ, आप स्वयं सोचिए। क्योंकि रेल कभी पटरियों से उतर रही है, कभी रेल को पटरी से उतारने की साजिश हो रही है, कभी रेलों के अंदर हमला हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी कुर्सी छीनने के लिए ये साजिश रची जा रही है? तो आपको इस मामले को संज्ञान में लेना होगा। मामले को संज्ञान में लेने के बाद हर ट्रेन के अंदर, हर डब्बे में दो पुलिस के जवान होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप उनकी भर्ती कीजिए। हमारे देश के अंदर कई बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको रोजगार मिलेगा। उनको रोजगार मिलेगा तो वो ट्रेन में बैठेंगे, सफर करेंगे, लोगों की सुरक्षा करेंगे। अग्निवीर निकाला है नरेंद्र मोदी जी ने, अग्निवीर के नौजवानों को यहाँ ले आइए, कुछ तो कीजिए ताकि ट्रेन में लोग सुरक्षित हो सके। असुरक्षा की भावना से अब ट्रेन में कोई बैठेगा नहीं। अगर आपको क्या लगता है इस पूरे मामले के अंदर, इस पूरे मामले का कसूरवार कौन है? मैं इस पूरे मामले का कसूरवार ठहराता हूँ रेल मंत्री को, जिन्होंने रेलों के ऊपर ध्यान देना अब छोड़ दिया है। क्योंकि लगातार ट्रेन के साथ कई हादसे हो रहे हैं, हमने कई बार देखा, कहीं रेल को पलटने की साजिश हो रही है, कहीं पर रेल में गोलियां चल जाती है, कहीं में किसी का मर्डर हो जाता है, कहीं कोई मारा पीटी हो जाती है। आज से कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग को मारा जाता है, पूरे डब्बा मिलके एक बुजुर्ग को मार रहा होता है। तो इस तरीके से अगर होता रहा तो शायद हमारे भारतीय रेल के अंदर ताला लग जाएगा और लोग रेल में छोड़ना छोड़ देंगे। अब आपको क्या लगता है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। ये दो मुसलमान बच्चे इनको देख के सो रहे थे, इनको इन दोनों ने इतना मारा सिर्फ बिना पे। ये मुसलमान है एक चीज, ये दूसरी वो सुशील भाई, ये दादा इनको भी मारा। नाम बताओ आपका क्या है? सुशील कुमार। सुशील कुमार को भी मारा, जो इनकी सपोर्ट कर रहा है, जो इनको पीछे आ रहा है बचाने, उसको भी मार रहा है। और ऊपर से कह रहा है कि गुंडे कर दी, और ये नशे में शराब पिए हुए और पुलिस का अपने काम क्या कर रही है? अचानक उठे देखने के लिए, तेरे दोनों मार रहा था। इन्होंने मारा, क्यों मारा? ये दोनों में कसम का मारा। जवानी तो टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले। ज्यादा मान से मार देते, ज्यादा मार मत, रो मत, परेशान मत, भेज दो बस।